चीज में अपना गुण है, नमक में अपना गुण है, मिर्च में अपना गुण है, गन्ने में अपना गुण है, संतरे में अपना है, आम में अपना है, जीव जो भी अनेक प्रकार के बिच्छू डंक लगाएगा, सांप भी डंक चलाएगा, गाय भैंस दूध देंगी, और जो जानवर पक्षी हैं उनके अलग अलग स्वभाव है, उनके प्रकृति ने उनको बनाया है। तो जिस चीज को भी आप जब देखोगे तो आपके मन में वो भाव आएंगे। वैसे बैठे बैठे अगर हम मन में सोचें किसी मिठाई का नाम लेके तो मुंह में पानी आ गया, मिठाई तो खाई नहीं हमने, विचार आने से ही मन में पानी आ गया, मतलब उसका गुण हमारे ख्यालात में आ गया। अगर किसी ऐसी चीज का नाम ले जिसके कारण तकलीफ हो, पीड़ा हो, तो दिल में दया आएगी, चेहरे का रंग बदल जाएगा। तो गुरु के पास जाने से, गुरु के दर पे जाने से, महापुरुषों के दर्शन करने से इंसान को शांति मिलती है, क्योंकि उनका भाव होता है कि जो प्रभु की भक्ति करते हैं उनके पास दया, प्रेम, शांति, संतोष, ये चीजें उनके हृदय में जब होती हैं तो लगातार उनके बोलने से, उनके इशारा करने से, उनके आशीर्वाद के देने से वो चीजें सहज में ही हमें पता नहीं लगता। ये साइंस की गहन अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने भी खोज किया कि बहुत छोटे छोटे अणु एक से पता तो हमें है, बीमार के पास नहीं बैठते आप कहोगे ना बीमारी लग जाए, तो बीमारी ट्रेवल करके आई ना अब तक। तो जिसमें अच्छे गुण है, अच्छे इंसान के पास बैठोगे तो आप अच्छी बात सीखोगे, अगर किसी बुरे आदमी के पास बैठोगे तो बुराई सिखा देगा। कोई नशा करने वाला, शराब पीने वाला, कोई सुल्फाना पीने वाला है, कोई समेत वगैरह, आजकल बहुत ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनके नाम भी नहीं जानते, तो जिसके पास बैठोगे वो जैसा उसमें रंग होगा वैसा आप में भी बनते। तो नेक पुरुषों का संग करना भले कही है ना, अच्छे पुरुषों की संगति करने से इंसान का जीवन बदल जाता है। बड़े बड़े ठग, डाकू, चोर, लुटेरे भी महापुरुषों के पास जाके गए, जीवन बदल गया। यही अपने दादू साहब में जयपुर के पास एक गांव है, उसका नाम तो क्या है, उसमें अब भी उनका डेरा है दादू साहब का। तो दादू साहब के पास में एक बार पीथा नाम का डाकू चला गया। अब कभी ना कभी इंसान के अंदर इंसानियत जागती है। बुरे आदमियों का संग करने से बुरी आदत अगर सीख भी जाता है कोई बात नहीं, लेकिन उसके पूर्व जन्म के कोई अच्छे संस्कार या उसके कोई ऐसी ठोकर लगती है कि इंसान के दिमाग में आता है कि मैंने गलत किया है। सद्बुद्धि जिसको कहते हो, कुबुद्धि से सद्बुद्धि आती है। तो डाकू भी एक बार मजबूरन जाना हो गया। उससे पहले एक और बात बता दूं, ये अपने रामूतार डीएस की भेंट है यहाँ पे। एक बार ये पीछा करते हुए एक बदमाश का, उसको पकड़ने के लिए आए। मैं अपने दिनों में सत्संग में बैठे थे, संगत थी, ये तीन चार गांव से उसका पीछा कर रहे थे, वो आगे ये पीछे थे गाड़ी। और वो भागते भागते जब दिनोद गांव में आ गया तो उसको और उपाय नहीं सूझा, उसने सोचा तू आश्रम में घुस जाए, आके और संगत में बैठ गया। अब रामोदार और उसकी पूरी पुलिस की टीम इधर उधर देखती फिर आश्रम में कौन जाएगा, आश्रम नहीं देखा, आश्रम में नहीं आए, वो बैठ गया। ये ढूंढ ढांड के इतनी दूर से आए थे, पूरे दिन के थके, उसका पीछा कर रहे थे, चले गए। वही लड़का कुछ दिन के बाद मेरे पास आया, मैं जानता भी नहीं, बोला जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मामा किस बात का भाई, मैं जानता भी नहीं, बोला जी एक दिन मेरी जान बचाई थी आश्रम। एक दिन जान बचाई तो वो कैसे, इसी तरह वो पीछा कर रहे थे मेरा, और मैं यहाँ आके बैठ गया संगत में, यहाँ वो आए नहीं अंदर। तो अच्छे आदमी की तो संगति भी इंसान को बहुत सुख दे देती है। तो पीथा नाम का डाकू था, दादू साहब के पास चला गया। वो डाकू भी थे, लेकिन जब वहां जो ज्ञान चर्चा थी, उपदेश दे रहे थे सत्संगियों को, साधकों को बता रहे थे ज्ञान की बात, जीवन सुधार की बात, तो जब वो बातें सुनी तो उन्होंने बताया कि इंसान का चोला बड़ा मुश्किल है, ये 84 लाख के चक्कर काटने के बाद मुश्किल से मिलता है। सब महापुरुषों ने कही है,
ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म से भटका खाया, या को अब व्यस्था मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ, भक्ति करो तो गुरु की करना। गुरु की भक्ति क्या है? गुरु के वचन की पालना। गुरु क्या वचन देता है? गुरु कहता है कि जिंदगी में प्यार बांटो, सेवा करो, माँ बाप की, बुजुर्ग की, दीन दुखी की, गरीब की, ये सबसे बड़ा धर्म। अब नाम तो धर्म कर लेते हो, पूजा पाठ मंदिर में करते हो, गुरुद्वारों में जाते हो, गुरु के पास जाते हो, सत्संगों में जाते हो, बुद्धि बदली नहीं है, बुरी आदतें वही हैं, पाप सड़ कपट बेईमानियां वही भरी पड़ी है, फिर कौन सी भक्ति है? गुरु की भक्ति, सच्ची भक्ति वो है जो गुरु के ज्ञान को लेके गुरु के कहे मुताबिक काम करे। गुरु आपसे कौन सा काम करवाना चाहता है? गुरु को कोई स्वार्थ नहीं आपसे, गुरु तो आपके जीवन को अच्छा बनाना चाहता है, क्योंकि वो परमात्मा से ये आदेश लेके आते हैं कि इंसान को इंसान बनाओ, जो अच्छी आदतें छोड़ के पशुओं की तरह बर्ताव करते हैं, भाई भाई का दुश्मन है, बाप बेटे का दुश्मन है, सास बहू की दुश्मन है, एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन के एक पेट से पैदा होने वाले, एक छोटे से स्वार्थ के लिए, चार पैसे के लिए, छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए, अरे क्या है जिंदगी बड़ी बहुमूल्य है, इसको जीना सीखो। प्यार बांटो, प्यार लो, प्यार दो, सब दुख मिट जाएंगे, लेकिन एक छोटी सी बात के कारण सब कुछ बिगाड़ लो। सब जानते हो कुरुक्षेत्र के मैदान में जो हाल हुआ था, 18 दिन में 18 क्षणी से नष्ट हो गई थी, 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश हो गया, छोटी सी बात के कारण, कोई बात भी नहीं थी, देव भाभी के मजाक आप भी क्या नहीं होते, एक मजाक की तो किया था, लेकिन उस बात के कारण दुर्योधन ने देखे बुरी आदत, जो अपनी आदत थी उसके अनुसार पाप पाड़ लिया उसने, बदला लिया, क्या बदला लिया उसने, खुद भी चेंज करवा दिया और काला रूप करवा लिया, सभी तक उसका नाम दिया जाए, राम जैसे पंडित और ज्ञानियों का नाश क्या क्यों हुआ? बदी के कारण, बुराई के कारण, पाप कर्मों के कारण। अगर नेक कर्म करता तो आजकल जो भूखे कष्ट दुख से महापुरुष कहां, कभी इनके पास क्या था? प्रॉपर्टी थी उसके पास, दादू साहब के पास क्या था, पलटू साहब के पास क्या था, उनको भी छोड़िए पुरानी बात थी, गांधी जी के पास क्या था, कम पर कपड़ा भी नहीं था, इस देश की आजादी के लिए लड़े, अपना तन कुर्बान कर दिया, कितने शहीदों ने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दे दी, कि क्यों हम आजादी से सुख शांति से जिए, अपने देश में रहे, अपना कमा के खाए। जो इंसान ईमानदारी से सच्चाई से अपना कमा के खाता है, अच्छे विचार रखता है, सबसे प्यार प्रेम से रहता है, सुखी जीवन जिए, ये 2 दिन की मरोड़ है, 2 दिन की जिंदगी है, इतराना किस बात का? हमने तो कभी तो शांति से जियोगे, उससे तो आप लोगों से अच्छे जो अच्छे विचार रखते मजदूर आदमी अच्छा है, सारा दिन मेहनत करता है, पसीना बहाता है, 4 पैसे मिलते हैं, शाम को सीटी बजाता हुआ आता है, चटनी बांट के 2 रोटी सूखी खा के आराम से सोता है, उसको नहीं बेचैनी किसी चीज की, तुम्हें नींद नहीं आती, अच्छा खाने वाले को नींद नहीं आती, धनवानों और पैसे वालों को नींद नहीं आती, टेलीफोन नहीं सुना देता है। लेकिन जिसने अपने भावनाओं पर कंट्रोल कर लिया, इच्छाओं को काबू में रख लिया, मैं ये नहीं कहता बवा दो, अगर तुम्हारे पास है, कमाते हो, मेहनत करते हो, कमाओ, लेकिन नेक कर्म में लगाओ, वो तुम काम आएगा। नेकी में भली भलाई के लिए भूखे मर के गरीब की मदद कर, जरूरतमंद को दो, किसी का जीवन उठा दे, धार करो उसका, और वो सब खुश होकर तुम्हें आशीर्वाद देगा, वो वरदान तुम्हारे लिए साबित होगा। ये होता है किसी की आत्मा को प्रसन्न कर देना, मन को खुश कर देना, उसकी भलाई कर देना, उसका मन जीत लेना है, और मन युद्ध से, लड़ाई से, ताकत से, बल से नहीं जीता जाता, प्रेम से जीता जाता, गंदगी से कभी गंदगी साफ नहीं होती, गंदगी को साफ करने के लिए साफ पानी लेना पड़ता है, दाल डब्बा पड़ जाए साबुन सोडा लगाना पड़ता है, लेकिन मन की मलिनता जो है वो प्रभु के नाम के बिना कभी नहीं है। प्रभु के नाम जो दिया है उससे सुमन किया करो, उसकी कमाई किया करो, और वो कमाई क्या है कि जीवन को उसके अनुसार चलाओ। बाल से तो कहते हो गुरु से दीक्षा ले ली, गुरु से नाम ले लिया, और जीवन क्या है?
जीव तो दुष्टों में जैसा दिखाते हैं, क्या फायदा है उसका। तो लेकिन मैं बात कह रहा था दादू साहब की, वहां पीथा नाम का डाकू चला गया, जब गुरु के विचार सुने सत्संग सुना बन गया, बंदूक दे दी दूसरे डाकू को, बोला कि मां इसके बाद डाका नहीं मारू। वो कहने लगे क्या करते हो, अपना तो जीवन है, अपना ये काम है, इसके बिना गुजारा नहीं होगा, नवरा नहीं, मैं नहीं करवाएगा। मैंने गुरु की बात सुन ली कि इंसान का जीवन बड़ा बहुमूल्य है, मां इंदा के लिए ये पाप कर्म नहीं करूंगा। बोले करना तो पड़ेगा, बोले नहीं करता। बोले पिता आप भी समझ रहे, बोला नहीं। लेकिन उसने क्या कहा कि अगर सूरज पूरब की बजाय पश्चिम में उगना शुरू हो जाए, गगन जमन उल्टी बहे और पश्चिम उगल भांग, पीथा चोरी ना करे डाका ना डाले, गुरु दादू की आन, गुरु दादू की आन है मुझे। चाहे सूरज पूर्व से पश्चिम में उठ जाए, चाहे गंगा जमुना वापिस पर्वत पर चढ़ जाए, बहती हुई उल्टी बने लग जाए, लेकिन पीथा पर्ण कर लिया पर्ण चौथा करे। तो इंसान का वचन होना चाहिए, पर्ण होना चाहिए। जो बात का वो एक मन में विचार बना लेता है, सच्चा और अच्छा होना चाहिए, जो किसी को दुख ना दे, किसी को पीड़ा ना दे। मैं कहता हूं दूसरे को सुख दोगे तुम सुखी रहोगे। तुम अगर प्यार चाहते हो दूसरों से प्यार करो, इज्जत चाहते हो तो दूसरे को इज्जत करो। इंसान का कुछ घटता नहीं है, छोटी सी बात में आदमी बहुत कुछ बर्बाद कर लेता है। अगर वो छोटी सी बात में खत्म होती है तो बस आदमी क्या पता कितने दिन जीता है, आराम से जीता है, सुखी। छोटी सी बात आदमी के चैन चला लेता है, दिल में शांति नहीं, रात में नींद नहीं, खाना पीना टाइम का नहीं, जिससे बात करता है ढंग से बात नहीं करेगा, बेचैन घूमता। इसलिए प्रभु के नाम में शांति, महापुरुषों के दर्शन करो तो उनसे कुछ लेके आओ। चलता चलता आदमी एक वचन भी सुन लेगा तो भी उसको पकड़ लेगा, तो भी उसकी जिंदगी बदल जाएगी। हम तो रात दिन सुनते हैं फिर भी हमारा जीवन नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता कि हम विश्वास नहीं करते। जो विश्वास कर लेता उसको, अरे विश्वास तो तुम पत्थर की मूर्ति पर भी करते हो, तुम खुद गढ़वाते हो उस मूर्ति को, मिस्त्री ने तुम्हारे सामने छेनी है, थोड़े मार के घड़ी है, कहीं से पूछे कहीं और से रहते हो, पत्थर में वो मूर्ति निकाल के देता है तुम्हें, राम की, कृष्ण की, या किसी और देवता की, जिसका या हनुमान की, शिव जी की, माता की, जो भी बनवाते हो पत्थर की बनवाई है तुमने, और उसने पैरों के नीचे दाग दाग के उसकी कुटाई करके बना के दी है। उस पत्थर की मूर्ति से तो जाके तुम वरदान मांगते हो, और जो जिंदा मूर्ति तुम्हें बात बताती उसी बात नहीं सुनते। मिलेगा कैसे, अपने मन से मांग लेते हो। जो जिंदा मूर्ति बताती है, अब कोई शराब भी आती है बैठ जाएगा, मैं कह दूंगा ना शराब ना पिया, अब मूर्ति के आगे हजार बढ़ जाती है, मत्था झुकाओगे वो तो आपको नहीं कहती। रोज पियोगे ये भी दिन अंग्रेजों की तरह मत्था झुका लोगे। अंग्रेज लोग क्या करते हैं, हफ्ते में 5 दिन तक सब कुछ अड़ंगे करते हैं जो उनसे हो सकता है, समझ गए ना। मांस खाना, अड़ंगे खाना, दारू पीना, और भी जो भी विचार करना, कुछ भी करना। लेकिन छठे दिन शनिवार को जाके चर्च में कन्फेस कर लिख देंगे, बार कन्फेस करेंगे, वहां जाके कन्फेस करेंगे, हाँ मैंने गलतियां की है, पाप की है, मुझे बख्श। एक हफ्ते तक पाप करो, एक दिन जाके बख्शवाया ना, उसने मुझे कई बख्श दिया, फिर भी वो धर्म दुनिया में क्यों फैलता है, खाओ पियो ऐसे करो, एक दिन माफी मांग लो, माफ हो जाओ। नहीं, जीवन को बदल दे, जीवन को पवित्र बनाना। पवित्रता का नाम जानते हो कि जिसमें किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। ये रूह बड़ी पवित्र है, ये परमात्मा की अंश है, कहने को सब कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, लेकिन ये आत्मा को परमात्मा की अंश मानते तो इसके ज्यादा दुराचार क्यों करते, इससे बुरे काम क्यों करते। इसलिए भाई नेकी किया करो, अगर तुम सही मायने में सत्संग हो तो तुम्हारे घरवाले सारे सत्संग बन जाएंगे, तुम्हारे पड़ोस के बन जाएंगे। लेकिन क्यों नहीं बढ़ते, तुम्हें देख के नहीं बढ़ते, कोई उठते तो पढ़ देती है, अगर फलाना की रावण सत्संग में जा रहा रोज कहेंगे नहीं क्या वही हर दिन सत्संग में रसा जाते बहुआ में बेटियां उल्टी सीधी गाड़ देवा,
तो इतना कल्याणी प्रणाम जो करते हो तो फिर तुमने देख के कहते हम तो सत्संग के बिना जाके अच्छे समझ गए, तुम अगर अच्छे बढ़ जाओ तुम सुधर जाओ तो हमने देखने वाला अपने आप सुधर जाएगा। इसलिए दर्शन का लाभ उठाया तो जो इस तरह से लाभ उठाता है उसका ही जीवन सबको भाई थोड़ा टाइम निकाल के निकलिए, दो मिनट आपसे बात मेरे दर्शन कर लिए मैंने आप सब के कर लिए बराबर बस। तुम्हारा कोई बुरा कर दे उसका भी बुरा ना किया तो, अगर तुम्हारे से गलती हो जाए क्षमा मांग लिया कि भाई गलती हो गई, दूसरा कोई गलती करता क्षमा कर दिया कि हाँ भाई कोई बात नहीं जा। ये दो बात याद रखो जिंदगी में, तुमसे गलती होती है क्षमा मांग लो, दूसरे से हो जाती है क्षमा कर दो ना कर दिया।